असिस्टेंट ग्रेड 3 FCI में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 डेज। मान लो कि सम कारपेंटर्स जो है वो सी हैं कारपेंटर्स, नंबर ऑफ कारपेंटर्स सी है, और हर कारपेंटर एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन का काम आ जाएगा। मान लो सी है कारपेंटर, एक दिन में एक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो समझाता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन करना आसान है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं कैसे करूंगा आप लोग, मैं बता देता हूँ, पहले कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो ये 9 दिन में टोटल काम हो गया, बट 5 ऑफ देम वर अब्सेंट। अब ये काम कितना दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो रहा है। तो ये दोनों जो काम हो जाएगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 9C = 12C - 60, यहाँ पे 3C = 60 और C का वैल्यू 20। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, पर समझाते हैं इसलिए बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में आप लोग रखना, क्योंकि बहुत कमेंट आता है कि सर आप समझाते हो बहुत टाइम लगता है। तो विद इन ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो समझो कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि 5 कारपेंटर है और उनका एब्सेंस ही 1 है। हर कारपेंटर एक दिन में एक काम करता है, यानी कि एक दिन में 5 काम होगा कि नहीं, क्योंकि बाहर 5 कारपेंटर है, हर आदमी एक काम करता है, यानी कि एक दिन में वो काम करे तो 5 ही काम होगा, और 9 दिन में कितना हो जाएगा, 45। तो सिमिलरली मैंने क्या माना है यहाँ पे, सी सी कारपेंटर्स की संख्या है और वो लोग, एक कारपेंटर एक दिन में बस एक काम करता है, तो एक दिन में सी काम हो जाएगा। ठीक है, और 9 दिन में 9C टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो इस चीज को समझना। अब अगले दिन क्या होगा कि सी में से 5 कारपेंटर्स गायब हो गए, और हमें पता है कि एक दिन वो लोग एक काम करते हैं, तो जो भी रिमेनिंग बचेंगे वो इतने ही काम करेंगे, और इतना काम करेंगे तो 12 दिन में ये लोग टोटल ये भी उतना ही काम करेंगे, यानी कि काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब्सेंट कुछ है तो 12 दिन लग रहा है, अब्सेंट नहीं होते तो 9 दिन। आपस में ये दोनों क्या है, बराबर काम बराबर है, काम बराबर है। ठीक है, तो 9C = क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। ठीक है, जो मैंने अभी किया है, 3C = क्या आ जाएगा, 3C = 60, और सी माने कारपेंटर की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तुम्हें तो समझ गए हो क्वेश्चन, कुछ कुछ टफ तो नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ठीक है, और मैं एकदम आराम से समझाऊंगा हर क्वेश्चन को, एकदम बच्चा जैसे, कि आपके दिमाग में चीजें घुस जाए। जिनको तकलीफ होती है ज़्यादा स्लो से, कोई बात नहीं यार, आप फास्ट देख सकते हो, बहुत सारे चैनल से मिल जाएंगे आपको। और यार एक चीज़ और यार, इतना मेहनत करने के बाद भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, आपके हेल्पफुल वाली चीज़ लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि इससे आपकी मदद ही मिलेगी, नुकसान तो है नहीं कुछ, तो मारो सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, टाइम एंड वर्क का। ठीक है,